कहा कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत हार्ड हिटिंग है, तो आपके किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? और देखिए, ये फिल्म जो है ये कोर्ट रूम ड्रामा है मूलतः, और कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से शेखर जी ने, इस कहानी के माध्यम से जो चीज़ सामने रखने की कोशिश की है वो सिर्फ इतनी है कि हम और आप जब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए या उसकी बेहतरी के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। और हम और आप जब किसी एक कानून के ज़रिए, संविधान के ज़रिए, हम अगर हमारे साथ कोई अन्याय होता है तो हम न्याय की दिशा में बढ़ते हैं, और कानून का निर्माण ही इसलिए होता है कि हम और आप व्यवस्थित रहे आएँ और हमारे जो देश की व्यवस्था है वो बरकरार रही आए। तो मूलतः इस फिल्म के माध्यम से कि और जो भारत का मिजाज है, भारत का मिजाज है कि यहाँ पे जो दिखता है वह भी पूजनीय है, जो नहीं दिखता वह भी पूजनीय है, जो हमारे यहाँ से बाहर से लोग आते हैं उनको हम अतिथि देवो भव, यानी जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, उनको हम सामान्य मनुष्यों की श्रेणी में नहीं, उनको हम देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ स्त्रियों के बारे में ये धारणा है मूलतः भारतवर्ष में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी नारियाँ जो होती हैं, भारत में ये मान्यता है कि परमात्मा की श्रेष्ठतम कृति कोई अगर है तो वो स्त्री है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों पर चल रहे होते हैं तो ये घटनाक्रम जो इस फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जब कभी कोई बाहर से कोई स्त्री हमारे देश में आती है और उसके साथ इस कहानी में एक ऐसा जघन्य कृत्य हो जाता है जिसे आप रेप कहते हैं, और जब रेप उसके साथ घटित हुआ जो कि विदेशी लड़की है और हमारी भूमि में घटित हुआ, और फिर उस रेप के लिए जिस तरह की जिस तरह की जद्दोजहद, और फिर वो जो मामला अदालत में जाता है तो पहली बात तो उस अदालत में उसका कोई पक्षकार नहीं होता, लोग तैयार नहीं होते क्योंकि पावर का फियर है या जो, और उस कहानी के माध्यम से उस सिस्टम को बताने की कि वो कहाँ कहाँ हमें काम करना है, किन किन पक्षों पर हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी जो मान्यता है पूरे विश्व में कि भारत जो है वो संस्कृति का देश है, भारत जो है वो संस्कारों का देश है, भारत जो है वो ज्ञान का देश है जो, और इसी के कारण भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त है। तो किसी अन्य देश में अगर कोई इस किस्म के अपराध घटित होते हैं, कहीं पे भी घटित हों, वो निंदनीय हैं, लेकिन जब विश्वगुरु की भूमि पर, जब कहीं परमात्मा की भूमि पर, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वर की जन्म स्थली भारत को माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने अवतार लिए हैं, अवतारों की जो अवधारणा है, अन्यथा कहीं पे मैसेंजर हैं तो कहीं पर सन है, तो उन्होंने किसी भी भूमि ने ये उद्घोषणा नहीं की कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो फिर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर विश्वगुरु की भूमि पर इस किस्म का कोई जघन्य अपराध घटित हो जाता है तो निश्चित रूप से हम सबको उसके ऊपर विचार करना चाहिए। तो इस फिल्म के माध्यम से जो चिकनकरी लॉ है, जहाँ पर कानून ही ईश्वर की वाणी है और कानूनी प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय संविधान के रूप में हम और आप उनकी उसको मान्यता देते हैं या उसकी इज्जत करते हैं, या हमारे यहाँ सर्वाधिक जितने भी न्यायालय हैं वो एक हिसाब से पूजनीय स्थल माने जाते हैं, तो उस प्रक्रिया के माध्यम से, इस फिल्म के माध्यम से वो शेखर जी ने यही बात कहने का प्रयास किया है। तो इसमें हमारा जो कैरेक्टर है वो है सीतापति त्रिपाठी का, शुक्ला का। सीतापति शुक्ला एक ऐसा लॉयर है जो अपने सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति है, और सीतापति शुक्ला एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इस चीज़ में विश्वास है कि सत्य की विजय होती है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता था और उसको लगा कि नहीं, ये सिर्फ मेरी अपनी कल्पना है, मान्यता है, सत्य की विजय नहीं होती, तो उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वो पाव भाजी लगाने का काम उसने शुरू कर दिया है अदालत के सामने कि अब मुझे अदालत में नहीं जाना, मुझे उस प्रक्रिया में नहीं पड़ना, क्योंकि ये मेरी अपनी मान्यता है, और ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सत्य की ही विजय होगी, कहीं ना कहीं शक्ति की विजय होती है, कहीं ना कहीं सत्ता की विजय होती है। तो वो उस चीज़ से इस फिल्म का जो किरदार है
उस चीज़ से परेशान होकर उसने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी है और वो अदालत के सामने ही पाव भाजी की बेचने का काम करता है और उसकी अपनी जो पाव भाजी की जो क्वालिटी है या जो उसने ब्रांड का नाम रखा है तो वो धाराओं के नाम पे रखे हैं कि वो 307 वाली पाव भाजी या 302 वाली पाव भाजी 376 वाली पाव भाजी RTI वाली पाव भाजी इस किस्म के उसने अपने रखे हुए हैं और उसमें तो वो एक वैसा किरदार है जो फाइनली बाद में इस केस के पक्ष में खड़ा होता है जब कहीं कोई उस मुवक्किल को उस जो हमारी हीरोइन है फिल्म की नतालिया जो मिस पोलैंड है उनको जब कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो उनका केस रख सके तब उसको वो कन्विंस करती हैं और वो एक बार वापस शुरू होता है और अदालत में जाके खड़ा होता है और पुरजोर कोशिश करता है कि जो अपराधी हैं उन्हें कानून के द्वारा दंड दिया जाए। सर इसके अलावा आपने बहुत सही बात कही कि शक्ति की जीत होती है लेकिन जैसे मैं पीछे देख रहा हूँ जस्टिस फॉर माया वैसे ही बहुत सारे ऐसे हैशटैग जो है आए हैं और लेकिन कैंडल मार्च होता है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो सर एज अ लॉयर आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो आपसे जानना चाहूँगा इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू। देखिए जैसे हम कहते हैं कि हैशटैग जो आपने बताया कि हैशटैग आता है जैसे हम कहते हैं आपने कहा कि कैंडल मार्च निकलते हैं तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं सोसाइटी की जागृति के प्रमाण हैं कि अल्टीमेटली लोग उस चीज़ को लेकर या इस किस्म के अपराधों को लेकर या अन्यायों को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं और जो एक नागरिक आम नागरिक अपनी शक्ति भर जिस चीज़ से अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर सकता है वो तरीके हैं कि हैशटैग के ज़रिए या कैंडल मार्च के ज़रिए वो आवाज़ें पहुंचाई जाती हैं और उन्हीं के परिणाम होते हैं कि फिर अदालतों में कोई ना कोई सीतापति शुक्ला जैसे लोग खड़े होते हैं या कहीं ना कहीं कोई बड़े महान जस्टिस खड़े हो जाते हैं जो पता लगा कि किसी अपराध की सज़ा अगर प्रक्रिया के हिसाब से चले जो कानूनी प्रक्रियाएँ लंबी हो जाती हैं कि अपराध आज घटित हुआ पता लगा कि किसी व्यक्ति ने किसी बच्ची के साथ जब वो 15 वर्ष की थी रेप किया और वो व्यक्ति उस समय 35 वर्ष का था लेकिन उसकी ट्रायल इतनी लंबी चल गई कि वो व्यक्ति जब सज़ा कब मिली उसको जब वो 60 वर्ष का हो गया तो एक हिसाब से आपने तो रिटायरमेंट प्लान उसका तय कर दिया और बच्ची जो थी जो 15 वर्ष की थी वो 40 वर्ष की हो गई। तो वो जो यंत्रणा के कि जब आपके साथ कोई अन्याय घटित होता है और चूंकि हम उस प्रक्रिया में जा रहे होते हैं और हमारा पूरा का पूरा उद्देश्य होता है कि हमें न्यायिक तरीके से संवैधानिक तरीके से हमें हमारा न्याय मिलना चाहिए और जब प्रक्रिया लंबी हो जाती है तो वो फिर वो मिलने वाला न्याय भी व्यक्ति के मन को और उसके चित्त को ये कहीं शांति नहीं प्रदान कर पाता है। तो ये उस प्रक्रिया के ऊपर भी ये फिल्म कहीं ना कहीं आपका और हमारा सबका ध्यान आकर्षित करने का काम करती है। सर आपसे जानना चाहूँगा बहुत सारे रेप्स हुए हमारे देश में तो आपको कितना चैलेंजिंग था ये सब्जेक्ट सबके सामने लाना और कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी इसको लेकर और स्टारकास्ट जैसे सर बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं और भी मकरन जी है और बहुत सारे किरदार हैं तो सर सबको एक साथ में लाना और सबसे पहले बताइए सर क्या प्रिपरेशन से गुजरना पड़ा एज अ डायरेक्टर। प्रिपरेशन क्या होती है मतलब जस्ट यू हैव टू राइट योर स्टोरी पहले अपनी कहानी लिखनी पड़ती है ना। तो ये जब कहानी मैं लिख रहा था तो काफ़ी रिसर्च किया मैंने केसेसों के बारे में जैसे सर ने बताया कि एक केस ऐसा भी था जहाँ 15 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार हुआ और जो बलात्कारी था वो 30 वर्ष का था तो क्या हुआ इट्स लाइक अ रिटायरमेंट प्लान इतना लेट सो इट्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में चल रही थी जब मैं ये कहानी लिख रहा था और कहानी पूरी हुई सर को मैंने सिनॉप्सिस भेजा इन्हें काफ़ी अच्छा लगा और इनसे मुलाकात हुई और दैट वाज हिस्ट्री आपके सामने है फिल्म। सर जब आपको पहली बार अप्रोच किया गया फिल्म के बारे में क्या रिएक्शन था आपका कि कुछ ऐसा हिस्सा था जो आपको नहीं पता था सोसाइटी के बारे में अगर आप ऐसा कुछ शेयर करना। मैं एक अभिनेता के रूप में मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि हमारी शुरुआत जो है वो दुश्मन जैसी फिल्म से हुई
फिर हमें संघर्ष जैसे किरदार मिले, फिर हमें राजवन जो बनी हुई थी जिसमें प्रोफेसर अग्निहोत्री या शबनम मौसी जैसे कैरेक्टर हमें करने के लिए मिले, या जो जे पी दत्ता साहब ने एक एलओसी नाम की फिल्म बनाई थी उसमें योगेंद्र सिंह यादव जिन लोगों को मृत्यु उपरांत परमवीर चक्र वगैरह प्रदान किए गए थे, तो ऐसे किरदार करते रहने के, फिर हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया या हासिल का गौरी शंकर पांडे जो तिग्मांशु धूलिया साहब की फिल्म थी, या मुल्क, सिम्बा, सोन चिड़िया, मिलन टॉकीज, तो एक व्यक्ति के रूप में, एक अभिनेता के रूप में और एक प्रोफेशनल के रूप में हमारी शुरू से पहले दिन से जब से हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकल के आए हैं कोशिश यही रही कि हमें अपने आप को रिपीट ना करना पड़े, और जब आप किसी सेम किस्म के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप को अगर किरदार करने मिले तो वो दो किरदार भले ही वो काले कोट पहने हुए हों, जैसे मुल्क का संतोष आनंद और इसका सीतापति, भले ही वो काले कोट पहने हुए हों लेकिन दर्शकों को वो दोनों की तस्वीर, वो दोनों की ताकत, वो दोनों का जहन, दोनों की कार्यप्रणाली और वो दो अलग अलग व्यक्ति नजर आए, तो उस प्रक्रिया में हम एक अभिनेता के रूप में हमेशा से जागरूक रहे और ये कोशिश रही कि अपने आप को रिपीट ना करना पड़े और अलग अलग किरदार करते रहने के मौके मिले। तो जब ये चिकन करी लॉ हमारे पास आई तो सबसे पहली बात यही थी कि यार ये एक ऐसा किरदार है जो हमने अभी तक नहीं किया है और हमको इस किरदार को, उसका जो सबसे बड़ा जो कैच पॉइंट जो मुझे लगा वो यही लगा कि एक दक्ष व्यक्ति, एक स्किलफुल व्यक्ति, एक प्रिंसिपल वाला व्यक्ति अपनी उसी दक्षता को, स्किलफुल होने के बाद भी, अपने सिद्धांतों के बाद भी उसी चीज़ से बेजार आकर उसने उस चीज़ से किनारा कर लिया है और अब एक मन में व्याप्त आक्रोश के कारण और एक सहज प्रतिकार के कारण वो क्या चीज़ कर रहा है, वो उसी मंदिर के सामने जिसका वो पुजारी हुआ करता था या जिसका वो उपासक हुआ करता था, वो एक विरोध के तौर पर और या आक्रोश के तौर पर वो काम कर रहा है जो काम वो नहीं करता था। तो अपने आप में काफ़ी रोचक किरदार है, लेकिन साथ में उसके अंदर वो बात भी है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी आत्मा सैद्धांतिक रूप से सजग है, जगी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर आप सिद्धांतों के पक्षधर हैं, कहीं ना कहीं अगर आप सत्य के पक्षधर हैं, तो आप कितनी ही कोशिश कर लें अल्टीमेटली आपको आपकी दुनिया या आपकी परिस्थितियां सत्य के पक्ष में खड़ा कर ही देती हैं। ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस से लास्टली, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें हमारे थ्रू हमारी ऑडियंस को? क्या कहेंगे सर, मैं बहुत हार्ड हिटिंग, बहुत हार्ड हिटिंग है और यही है कि यार कंटेंट अब ये चल रहा है, लोगों को समझ में आ गया है कि भाई कंटेंट इज द किंग है ना, तो कहानी अच्छी है, कंटेंट इज गुड, तो ऐसी फिल्मों को बड़ी से सपोर्ट मिलना चाहिए। शेखर जी की क्वालिटी ये है कि शेखर जी करते अच्छा है, बोलने में भले ही उन्हें संकोच होता है तो एक अभिनेता के रूप में ये एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पड़ोस में इतना अच्छा बोलने वाला वक्ता हो, अपनी चुप्पी अपने आप बंद हो जाती है। शेखर जी करने में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जिनको बोलने में विश्वास होता है, तो आप ये मान के चलें। तो फिल्म बहुत हार्ड हिटिंग, फिल्म बहुत ईमानदारी से बनाई गई है और फिल्म में जितना करीब रहा जा सकता है एस्थेटिकली उतने करीब रहने का प्रयास किया गया। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, शुक्रिया। तो 9 तारीख सर ऑल सेट, ट्रेंडिंग तो अच्छी है आपकी, टॉप 10 में है, जो ट्रेंडिंग होती है वो गुड साइन है, एक ऑनेस्ट फिल्म जी, कहीं ना कहीं आपका जो ऑनेस्ट प्रयास है वो लोगों के द्वारा वेल रिसीव्ड है। हमारा नहीं आ रहा, शक्ल भी कितना ही नीचे छुपा के रख दिया। नहीं, टैलेंट तो भर के आना ही आना सर।